आधुनिकतम प्रयास है हमारा मेट्रो रेल का, ये रोजगार के भी साधन बनेंगे, एक नहीं अनेकों बहनों भाइयों को रोजगार देंगे। इस मेट्रो रेल को हमने कोशिश की है, जितने रेलवे स्टेशन हैं इनमें कोयले से बनने वाली बिजली ना लगे, पर्यावरण को जितना बचा सके बचाने का प्रयास करें, और मध्य प्रदेश को केवल हिंदुस्तान का नहीं दुनिया के सबसे अच्छे राज्यों में से एक बनाएंगे, यह हमारा संकल्प है। इसी संकल्प के साथ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के निर्देशन में प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी इंदौर आज लोक परिवहन के आधुनिक और विश्वसनीय मेट्रो रेल युग में प्रवेश कर रहा है। इंदौर भारत के शीर्ष 5 सबसे तेजी से बढ़ते शहरों में से एक है, जिसकी जनसंख्या लगभग 30 लाख से अधिक है। यहाँ पिछले 8 वर्षों में लगभग 250% की अभूतपूर्व वाहन वृद्धि हुई है, जो शहरी परिवहन को बाधित कर रही है। इसके निवारण के लिए इंदौर मेट्रो रेल परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, तथा आज इसके 16 अत्याधुनिक स्टेशनों के साथ लगभग 11 किलोमीटर वायाडक्ट का भूमि पूजन जनोन्मुखी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा किया जा रहा है। इंदौर मेट्रो रेल के प्रथम चरण में एक रिंग कॉरिडोर का विकास किया जा रहा है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 31.46 किलोमीटर है। ये कॉरिडोर इंदौर एयरपोर्ट से शहर के हृदय स्थल राजवाड़ा, बड़ा गणपति, रेलवे स्टेशन पलासिया, विजयनगर एवं सुपर कॉरिडोर को जोड़ेगा। इस रिंग कॉरिडोर में शहर के मुख्य स्थानों के आधार पर कुल 29 मेट्रो स्टेशन का विकास किया जा रहा है। ये मेट्रो कॉरिडोर भूमिगत और एलिवेटेड रहेगा, जिसमें मेट्रो रेल लगभग 7.44 किलोमीटर भूमिगत और तकरीबन 24.02 किलोमीटर एलिवेटेड कॉरिडोर पर चलेगी। इंदौर मेट्रो को एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन एवं ISBT से जोड़ा जाएगा। साथ ही परियोजना में अत्याधुनिक स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा, तथा परियोजना के डिजाइन में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। हवाई मार्ग, रेलवे, सिटी बस, ई रिक्शा, ई बाइक एवं केबल कार के माध्यम से आवागमन करने वाले यात्री आधुनिक मेट्रो के द्वारा शहर के विभिन्न भागों में आसानी से पहुंच सकेंगे। इंदौर मेट्रो के सभी स्टेशन एवं गांधीनगर मेट्रो डिपो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्रमाणित प्लेटिनम रेटिंग के बनाए जाएंगे। मेट्रो रेल परियोजना TOD सिद्धांतों पर आधारित है, जिससे शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास होगा, नागरिकों को तेज लोक परिवहन मिलेगा, जिससे निजी वाहनों पर निर्भरता कम होकर प्रदूषण और यातायात की समस्या से भी निजात मिलेगी। इस रिंग कॉरिडोर के प्रथम चरण के अंतर्गत 17 किलोमीटर के प्रायोरिटी कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है, जिसके विभिन्न मेट्रो स्टेशनों रेडिसन चौराहा, विजयनगर चौराहा, मेघदूत गार्डन, बापट चौराहा, हीरानगर, चंद्रगुप्त चौराहा, ISBT, MR10, भंवरासला, सुपर कॉरिडोर 1-6, गांधीनगर तथा शेष वायाडक्ट के निर्माण हेतु 1415.90 करोड़ रुपए के कार्यादेश किए गए हैं एवं कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। इंदौर मेट्रो रेल के प्रायोरिटी कॉरिडोर का संचालन सितंबर 2023 तक शुरू हो जाएगा। इंदौर मेट्रो रेल परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 7500.80 करोड़ रुपए है, जिसमें लगभग 1664.59 करोड़ के कार्य अवार्ड हो चुके हैं और 2951.27 करोड़ के कार्यों के टेंडर प्रक्रिया में हैं। मेट्रो रेल परियोजना इंदौर में मौजूदा बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम और स्टैंडर्ड बस सेवाओं के साथ एकीकृत रूप में नागरिकों को आकर्षक, उच्च गुणवत्ता वाले, तेज, आरामदायक व भरोसेमंद प्रभावी शहरी परिवहन तंत्र प्रदान करेगी, जो शहरी जीवन शैली में निश्चित रूप से सकारात्मक बदलाव लाएगी।